और अब खबर रूस से है, जहां की सेना एक ऐसा युद्ध अभ्यास कर रही है जिससे पश्चिमी देश घबरा गए हैं। पुतिन की सेना उमका 2022 के जरिए अपनी तैयारियों को परख रही है। कहां पर हो रहा है ये युद्धाभ्यास और क्यों इससे पश्चिमी देश परेशान हो गए हैं, पूरी कहानी सिर्फ 2 मिनट में। समुद्र में रूस की परमाणु क्षमता वाली सबमरीन तैनात हैं। पुतिन की सेना क्रूज मिसाइलें दाग रही है। 400 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा रही है। तस्वीरें आर्कटिक महासागर की हैं और रूस की सेना उमका 2022 नाम के सैन्य अभ्यास के जरिए अपनी तैयारियां परख रही है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबमरीन से मिसाइल दागने के अलावा कोस्टल मिसाइल सिस्टम ने भी समुद्र में करीब 300 किलोमीटर दूर सटीक निशाना लगाया। रूस का ये सैन्य अभ्यास आर्कटिक महासागर के पूर्वी हिस्से चुकची सागर में हुआ, जो रूस को अमेरिकी राज्य अलास्का से अलग करता है। दरअसल रूस अपने विशाल आर्कटिक क्षेत्र को रणनीतिक रूप से काफी अहम मानता है और पिछले कुछ वर्षों से यहां सैन्य क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। इस क्षेत्र को रूस यूरोप और एशिया जाने वाली कार्गो शिप्स के वैकल्पिक रास्ते के तौर पर तैयार कर रहा है। रूस के इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने से पश्चिमी देशों में घबराहट है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।